जय हिंद दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, OnePlus फाइनली अपना फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है OnePlus 11 5G। और यहां पर साथ ही में आपको यहां पर 11 5G की सीरीज भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर OnePlus 11R 5G, साथ में OnePlus के Buds Pro 2 और OnePlus का TV 65 इंच का Q2 Pro भी आएगा। और उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जिसका इवेंट दिल्ली में रखा गया है 7 फरवरी को। तो वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स और जितने भी इवेंट्स के अंदर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहां पर हम बात करने वाले हैं OnePlus 11 5G के बारे में और यहां पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से जय हिंद लिख के कमेंट्स में और वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अदर कंट्री से यानी कि बाहर से हैं तो वहां से भी आप मुझे अपनी कंट्री का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। OnePlus 11 में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अल्टीमेट फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। यहां पर आपको 12GB 16GB की LPDDR5 RAM और यहां पर 256GB और 512GB स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। यहां पर मेमोरी कार्ड स्लॉट अभी है कि नहीं ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट यहां पर कुछ लीक्स निकल के आई है जो आपके साथ हम यहां पे शेयर कर रहे हैं। OnePlus 11 में आपको 6.7 इंच का QHD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। OnePlus 11 में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहां आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का अल्ट्रा वाइड और 32MP का 2x जूम के साथ में कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं OnePlus 11 में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहां पे 5000 की स्ट्रॉन्ग बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि यहां पर सपोर्ट करेगा 100 वॉट की चार्जिंग को। यहां पर उसके अलावा आपको OnePlus में इंडियन वेरिएंट के अंदर कौन सा चार्जर हमको वॉट के साथ देखने को मिलेगा वो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। इस फोन के अंदर दोस्तों आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में वाईफाई 6 का ऑप्शन और साथ में ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया था कि यहां पे आपको 5000mAh की ड्यूल सेल बैटरी दी गई है जहां पे 100 वॉट का सुपर वोक चार्जर देखने को मिलेगा। तो वहीं पर इसकी जो वजन है वो आपको 205 ग्राम तक का मिल सकता है जो कि मेरे हिसाब से बैटरी ज्यादा होने के कारण मोबाइल फोन ज्यादा हैवी नहीं होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो चुकी है। डिस्प्ले में आपको यहां पे दोस्तों 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 522 और 525 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ में आता है। और डिस्प्ले में कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास भी आपको देखने को मिलेगा 7 प्रोटेक्शन के साथ में। और इसमें आपको HDR और डॉल्बी विजन के फॉर्मेट के लिए सपोर्ट भी मौजूद दिए गए हैं। अब सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो सैमसंग की LTPO 3.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे कैमरे की तो यहाँ पर आपको एक कैमरा सोनी की तरफ से भी मिल जाता है जिसका नंबर है IMX890 प्राइमरी सेंसर जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हेजलब्रेड ब्रांड का यहाँ पर आपको ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। फिलहाल दोस्तों कुछ ये हमारे सामने लीक्स निकल के आई है OnePlus 11 फोन को लेके और अभी हमें देखना होगा कि इसमें और क्या क्या अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर।